और पर्यटक जो देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, पुष्कर की एक छाप उनके मन पे। ए ब्लॉक अजमेर, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773-26213। जी सर, आज मीटिंग रखी गई, किस चीज को लेकर क्या वार्ता? नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम हर सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, हर सेक्टर पे के लोगों को इससे जोड़ रहे हैं, ताकि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था हो एक अभियान का रूप ले और पर्यटक जो देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, पुष्कर की एक छाप उनके मन पे सफाई को लेकर रहे। इसी क्रम में हमने आज जो सफारी करवाते हैं, कैमल सफारी आदि, उन की यूनियन को और उनके यूनियन के सभी लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया था और उनके साथ हमने वार्ता करी है कि जिस भी रूट पर इनके ऑफिसेज हैं या जिस भी रूट पर ये लोग सफारी करवाते हैं, उस पूरे रूट पर अपने अपने प्रतिष्ठान पर सब लोग डस्टबिन रखेंगे और साथ ही अपनी गाड़ी में भी ये अलग से एक बैग रखेंगे, ताकि जो भी पर्यटक हैं वो अपनी जो भी लिटरिंग है वो उसके अंदर करेगा, जिसको लाकर ये अपने प्रतिष्ठान पर रखेंगे। और उसके बाद में उस पूरे रूट पर जहाँ पर इनके प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पर हम शाम के समय में 4 से 5 बजे के बीच में पालिका का वाहन जो है कचरा कलेक्शन के लिए प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि जो जो सामान्यतः जो लिटरिंग होती है रोड साइड। आज किस चीज़ को लेकर बैठक आयोजित हुई है? आज ये स्वच्छ सफाई अभियान के हिसाब में हमारे को सबको बुलाए हैं अपन, करीब सारे केमल सफारी, जीप सफारी वाले सारे ऑनर यही हैं, और जितने भी मतलब जैसे केमल सफारी पर जो कचरा होता है केमल सफारी पर, और केमल सफारी के आजू बाजू कोई कचरा होता है, तो साहब ने बुलाया है भाई कि आपके पास एक गाड़ी आएगी शाम के टाइम में, और कचरा वहाँ पर रहना नहीं चाहिए, गाड़ी में आपको कचरा डालना है और ये हमेशा सफे रखनी है, आपको सारी केमल सफारियों को सचेत किया। आप लोगों ने क्या निर्णय किया? बिल्कुल सही हो गया सर, बिल्कुल सही हो गया, सफाई करेंगे।